रानी, आपके गांव में क्या दिक्कत है? मेरे गांव में बिजली की बहुत परेशानी। क्या हुआ बिजली को? ट्रांसफार्मर चल गई। कब से ट्रांसफार्मर ऐसा है? ये तो दिसंबर 2014 से जल गई है, लेकिन थोड़ा बड़ा जलता था, लेकिन जनवरी 2015 से बिल्कुल नहीं लाइट आ रहा। तो ये जो लाइट हुआ है, तो इसके बाद बिल वगैरह आ रहा है क्या आपको बिजली? हाँ, का बिल तो आ रहा है, लेकिन लाइट भी नहीं आ रही है, तो हम बिल कैसे जमा करें? तो अभी कितना बिल आया है आपके घर का? बिल हमारे घर में लगता है 1900 तक आए होंगे। 1900 रुपए बिल आया। हाँ। और बिजली गांव में? बिजली नहीं चल रही है। लाइट नहीं आया हर एक महीने, बिल आवा करा थे, तो मैंने कहाँ से दे पाऊंगा? महीने में बिल कितना आता है आपको? अरे कहूँ 1000 रुपया फिर बन जा करा थे। कितने साल से ऐसा परेशानी हो रही? 2-3 साल हो गए। तो आप लोग अभी तक आवेदन नहीं लगाए लाइट के बारे में? अरे लाइन वाइन के मना आदमी कहा थे, हो गया अधिक तो हमारे पहुँच नहीं आता लाइन वाइन के कहन, तो वह कुछ ध्यान नहीं दे। तो बिजली नहीं होने से आपके गाँव में क्या दिक्कत हो रही है? मेरे गाँव में तो बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे कुछ थोड़ा बड़ा फसल भी होता है तो वो भी नहीं कर पाते हैं, और बच्चे पढ़ते भी हैं वो भी नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, और जैसे लाइट वाइट नहीं चलता है ना, तो खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। चिमनी दिया बार के तो बनाते हैं, तो कहीं कीड़ा मकोड़ा आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि शहडोल जिला के ग्राम पंचायत क्षेत्र देवरी के जो 2 वर्ष से जले ट्रांसफार्मर का जल्द से जल्द नया निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को समस्या से मुक्ति मिले। वीडियो देखने वाले श्रोताओं से मैं अपील करता हूँ कि हमारे अमृतलाल गुप्ता जी के द्वारा, ये फील्ड ऑफिसर हैं जिनका मोबाइल नंबर है 9617403939 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं। मैं कैलाश सिंह मरावी, ग्राम पोस्ट उमरिया, थाना तहसील कुसमी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।